हेलो दोस्तों, आज हम आपको भगवान राम के 85 वर्ष पुराने मंदिर के दर्शन करवाएंगे। इस राम मंदिर का निर्माण GCF फैक्ट्री के कर्मचारियों ने 85 साल पहले किया था। माना जाता है कि यहाँ लड्डू चढ़ाने से मन्नत पूरी हो जाती है। सबसे पहले हम यहाँ प्रातःकालीन आरती में शामिल हुए। यह आरती प्रतिदिन प्रातः 6 बजे शुरू होती है, जो कि यहाँ के पुजारी महाराज जी के साथ श्रद्धालुओं द्वारा की जाती है। इस वीडियो में हम आपको शाम को होने वाले लाइट और डेकोरेशन को भी दिखाएंगे। रात के अंधकार में लाइट और डेकोरेशन से जगमगाते इस मंदिर का नज़ारा बहुत अद्भुत होता है। इस खूबसूरत नज़ारे को देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। भगवान श्री राम का ये मंदिर लगभग 85 वर्ष पुराना है, जिसकी नींव 1932 में रखी गई थी। मंदिर के निर्माण में करीब 7 साल लगे थे, जिसके बाद सन 1939 में मूर्ति की स्थापना की गई। इस मंदिर की खास बात यह है कि मंदिर का निर्माण GCF फैक्ट्री के कर्मचारियों द्वारा किया गया था। इस मंदिर में राम भक्त हनुमान की भी मूर्ति स्थापित है, जो कि जबलपुर की सबसे बड़ी हनुमान मूर्ति मानी जाती है। मंदिर में ऐसी मान्यता है कि राम भक्त हनुमान को लड्डू चढ़ाने से मनोकामना पूर्ण होती है। आज इस मंदिर की देखभाल प्रेम प्रचारिणी सभा के द्वारा की जाती है और इनके द्वारा प्रतिवर्ष यहाँ रामलीला का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ श्री राम के दर्शन के लिए समय का विशेष ध्यान रखिए। दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक मंदिर के पट बंद रहते हैं। प्रतिवर्ष रामनवमी के अवसर पर GCF स्थित राम मंदिर में बड़ी संख्या में लोग श्रद्धा के साथ पहुंचते हैं। रामनवमी पर यहां विशेष आयोजन होता है। प्रातः 10 बजे से यहां श्री राम का अभिषेक होता है, जिसके उपरांत 12 बजे से श्री राम जन्मोत्सव मनाया जाता है। जन्मोत्सव के बाद प्रसाद वितरण कर मंदिर प्रांगण में विविध आयोजन किए जाते हैं। मंदिर परिसर में श्री राम दरबार के अलावा भगवान शिव, राधा कृष्ण, साईं बाबा, हनुमान जी की विशाल प्रतिमा और मां दुर्गा की एक खूबसूरत वॉल पेंटिंग भी उपस्थित है। यहां रामचरितमानस की भी एक प्राचीन प्रति रखी हुई है। रामचरितमानस के अलग अलग कांडों को अलग अलग खंड में रखा गया है। मंदिर की परिक्रमा करते हुए हमने मंदिर की छत पर ये अजीब सी संरचना देखी और हमें आश्चर्य मिश्रित खुशी हुई जब यहाँ के पुजारी जी ने हमें बताया कि ये चिड़ियों के घोंसले हैं। आप इन घोंसलों से आती चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी सुन सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।
और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।